क्वेश्चन नंबर थ्री भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू की तरह है। इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। तो क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस बी की जगह आएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज एम, और ए की जगह कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा विच इज एल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस एम ओवर एल। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करेंगे, सी की जगह कांस्टेंट टर्म विच इज एन, और ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एल। तो इस तरह अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई एन ओवर एल। अब जो हमारे पास गिवन सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसको हमने वैल्यूएट करना है। तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसमें से हम कॉमन लेंगे जो अल्फा की छोटी पावर है वो स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर, और बीटा की छोटी पावर भी स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर तो बाहर आ चुका हुआ है, अल्फा क्यूब था अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर अल्फा रह जाएगा, प्लस यहां पर इसी तरह बीटा रह जाएगा। अब अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है ये, इसी तरह आगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा एन ओवर एल, ऊपर होल स्क्वायर है। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस एम ओवर एल, तो यहां पर हम स्क्वायर ओपन करते हैं एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह यहां पर माइनस एम ओवर एल। तो एल स्क्वायर और एल मल्टीप्लाई होके एल क्यूब, और ऊपर एन स्क्वायर और एम मल्टीप्लाई होके माइनस एम एन स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव लिखते हैं या ये डिवाइड वाली लाइन के साथ नेगेटिव लिख लें, एक ही बात है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ रहा है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो इस तरह ये जो पार्ट था इसको हमने एवेलुएट कर दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कॉमन होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, इसी तरह इसको हम आगे एवेलुएट करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर। अब अगर तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रही होती, मल्टीप्लाई हो रही होती जिस तरह नीचे है तो हम होल स्क्वायर लिख लेते, लेकिन क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो होल स्क्वायर लिखने के लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस मिडल टर्म लेके आनी पड़ेगी विच इज 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमने प्लस 2 अल्फा बीटा खुद से लिखी है, अगर ये ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसको माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब फायदा इससे ये होगा कि यहां से लेके यहां तक जो टर्म थी ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगी, आगे माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर है माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है एन ओवर एल, और नीचे भी अल्फा बीटा की वैल्यू है एन ओवर एल होल स्क्वायर। अब यहां पर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का साइन ये वाला इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2n ओवर l, ओवर में भी स्क्वायर ओपन करते हैं n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर आएगा, ऊपर l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा m स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों टर्म में बड़ी जो टर्म है वो l स्क्वायर है तो l स्क्वायर एलसीएम आएगा,
तो क्योंकि इसमें एक एल कम है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2nL आ जाएगा, इसमें नीचे n स्केयर ओवर l स्केयर ही रहेगा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आएगा m स्केयर माइनस 2nL ओवर n स्केयर। तो इस तरह हमने इस पार्ट को भी एवेलुएट कर लिया। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन में सिमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व थे, उनको हमने एवेलुएट करना था। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।